से ये फायदा, कड़कनाथ मुर्गा पालने से वो फायदा, इसका मीट इतने रुपए किलो बिक रहा है, अंडा इतने का बिक रहा है। तो दोस्तों आज हम आपके सामने पूरी की पूरी सच्चाई खोल के रखेंगे, क्योंकि आज हम आपको लेकर आए हैं कड़कनाथ मुर्गा के फार्म पे, जहाँ पर हम आपको पूरी तरह से क्लियर करेंगे, स्पष्ट करेंगे कि क्या कड़कनाथ मुर्गा पालने से फायदा है या नुकसान है। बस आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो प्लीज उसे दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों बिना ज्यादा देर किए चलिए हम आपको सीधा लेकर चलते हैं कड़कनाथ मुर्गा फार्म में, आइए। दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है कड़कनाथ मुर्गा। आप देखिए इसकी चोंच, इसकी कलगी, इसके पंख सब कुछ काला है। देखिए दोस्तों इसका मांस सब काला है, इसके खून भी काला है, इसके नाखून, इसके पंजे, इसकी कलगी, इसकी चोंच, देखिए पूरा का पूरा काला मुर्गा है ये। दोस्तों इस मुर्गे की एक खासियत और भी है कि इसमें वसा ना के बराबर है और इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी ज्यादा है। और एक और वायरल आपको बताया जाता है कि इसका अंडा भी काले रंग का है। दोस्तों तो इसका अंडा काले रंग का नहीं है। ये देखिए दोस्तों इसका अंडा बिल्कुल देसी मुर्गी के अंडे की तरह होता है। तो ये जो वायरल आपको बताया जा रहा है कि अंडा काले रंग का होता है तो वो बिल्कुल ही झूठ है। तो आइए दोस्तों इससे आगे अब आपको सीधा लेकर चलते हैं। कलर भी है लेकिन लगभग पूरा शरीर, इसके पूरे पंख पूरा काला है। अगर कोई छोटा किसान इसे शुरू करना चाहता है तो वो 10 फीमेल के ऊपर एक मेल के साथ इसकी शुरुआत कर सकता है। आपके क्षेत्र के अनुसार अगर मैं बात करूं, इसकी फीड का जो खर्चा होगा वो लगभग 20 रुपए से शुरू होकर 25 रुपए तक, 26 रुपए तक या 27 रुपए तक भी हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा मुर्गे की या मुर्गी की अगर मैं डेली की बात करूँ तो लगभग 1 रुपए से 2 रुपए का खर्चा डेली इस ब्रीड के ऊपर, इस बर्ड के ऊपर आता है। तो छोटा किसान भी अगर चाहे तो 10 फीमेल के ऊपर एक मेल के साथ इसकी शुरुआत कर सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको बताया जा रहा होगा कई जगह पर वीडियो देखने के कि इसका अंडा 50 रुपए का है, 100 रुपए का है, 150 रुपए का है, कुछ इस तरह की भ्रांतियां आपके बीच में फैलाई जा रही है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल का सीधा और सीधा मकसद किसान का हक और किसान का फायदा है। अगर आपको कड़कनाथ मुर्गे का अंडा चाहिए, चूजा चाहिए, मुर्गी चाहिए, ब्रीड चाहिए तो आप हमारे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह के और भी काफी वायरल फैलाए जा रहे हैं कि कड़कनाथ मुर्गा 2000 रुपए का बिकता है, 2500 रुपए का बिकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जो कड़कनाथ मुर्गे की जो रियल वैल्यू कॉस्ट है मार्केट में, हाँ देसी मुर्गे से कुछ ज्यादा है। अगर देसी मुर्गा आपका 700 का या 800 रुपए का तैयार मुर्गा है तो आपको वहीं पर जो कड़कनाथ मुर्गा है वो मैक्सिमम आपको 1000 रुपए का या 1200 रुपए का, अगर ज्यादा वेट का है तो वो आपको 1500 रुपए का मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो कड़कनाथ मुर्गे का जो मैक्सिमम वेट है वो 2.5 किलो होता है। अगर आपको ये कह के दिया जाता है जी मुर्गा 3.5 किलो का हो जाएगा या आपका 4 किलो का हो जाएगा तो वो बातें बिल्कुल गलत है। अगर मैं आपको बताऊँ इसके जो मैक्सिमम वेट साइज की, क्योंकि जो ये मुर्गी है कड़कनाथ, ये केवल उतनी ही फीड खाती है जितनी इसको जरूरत है, इससे ज्यादा वो फीड नहीं खाती है। इसके अलावा दोस्तों ये बात बिल्कुल ठीक बताई गई है, शोध के अनुसार ये पता चला है कि यह कई प्रकार की बीमारियों में काम आता है, क्योंकि इसका मांस वसा रहित होता है। इसे कैंसर के पेशेंट भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की बीमारियों में, हजारों बीमारियों में इसका जो है मांस का प्रयोग किया जाता है। और मध्य प्रदेश सरकार इसके एक्सपोर्ट के बारे में काम शुरू कर रही है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोकल मार्केट में हमारे हरियाणा पंजाब की या नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूं, जो इस मुर्गे का या अंडे का रेट है, जो कि होटल्स में, बड़े बड़े होटल वगैरह में अगर मैं बात करूं तो शायद वहां पर काफी महंगा हो सकता है, लेकिन नॉर्मल रूटीन में बाजार में आपको यह अंडा जो है लगभग गर्मियों के सीजन में 20 रुपए के आसपास मिल सकता है और शायद सर्दी के सीजन में इसका रेट थोड़ा सा ज्यादा हो। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी तरह से आपको कड़कनाथ मुर्गे के बारे में फार्म खोलने के लिए गाइडलाइन चाहिए तो उसके लिए भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा मकसद भारत के किसान की खुशहाली है। तो दोस्तों इतना ही प्यार हमें आगे भी देते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।